तो आज की वीडियो में दोस्तों बताऊंगा, अगर आप फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स के अंदर जो है आपका निक नेम चेंज करते हैं, निक नेम पहली बार डाल रहे हैं या फिर चेंज कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके से दिखाता है। ऊपर लिखाता है निक नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो निक नेम अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, कौन सा निक नेम आप डाल सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम लेकर आए हैं आपके लिए, जहाँ पर यहाँ पर कुछ लिखा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मनोज भाई, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल है। बट ये किसी और ने ले लिया है, जब किसी और ने फ्री फायर खेलना स्टार्ट किया तो उसने ये निक नेम ले लिया है। अब निक नेम जो है एक जेन्यून निक नेम होना चाहिए, और किसी पहले व्यक्ति ने, मतलब इससे पहले किसी ने भी नहीं लिया होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो मनोज भाई है उसके आगे आप जो एक तो 10 12, मतलब कोई भी एक डिजिट लगा सकते हैं, 100 लगा सकते हैं, 007 006, इस तरीके से आप इसमें चेंज कर सकते हैं, इसमें आप जो है मतलब बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर ये काम ना करे तो आप थोड़ा सा अलग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम सर्च करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस तरीके से मतलब कुछ ही अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, बस आपको एक जेन्यून जो है नाम चाहिए यहाँ पर, जेन्यून आपका आईडी होना चाहिए, जिससे कि लोग आपको जो है फाइंड कर सके, या फिर लोग आपको जो है मतलब जब आपका आईडी सर्च हो तो वो मिल सके, ठीक है। अलग अगर दो व्यक्तियों का सेम रहेगा देन आईडी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर इसके आगे आप एक तो ऐट द रेट तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर 6534 इस तरह से आप डिजी लेटर नंबर लिख सकते हैं जो आपको याद रहे, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर दूसरा कुछ लिख सकते हैं, जिससे कि आपको लोग जो है फाइंड कर सकते हैं। एक जेन्यून जस्ट आपको ले लेना है।